लागू करो, एसआरओ चोट लागू करो, सभी डेली वेजरों को पता करो, पता करो, सभी डेली वेजरों को पता करो, पता करो, सभी डेली वेजरों को पता करो, पता करो, पेंडिंग बेसिस रिलीज करो, पेंडिंग बेसिस रिलीज करो, पेंडिंग बेसिस रिलीज करो, सभी डेली वेजरों को पता करो, पता करो, सभी डेली वेजरों को पता करो, पता करो, मेरा नाम कमल किशोर है, मैं इरिगेशन कम्प्लेक्स से बोल रहा हूँ। तो जैसे कि सबसे पहले मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ, मीडिया बंधुओं का, जो हमारा हाल पूछने आ जाते हैं, वरना ये सरकार सरकार तो आंखें मूंद के सोई है। तो मेरा सबसे आज हमारे धरना प्रोटेस्ट को 416 दिन है, तो 416 दिन के बाद भी बड़ा दुख होता है कि प्रशासन जो है वो उल्टा सीधे मतलब बातें करता है, बजाय इसके कि लोगों का काम करने के उनकी तरफ से कोई नया नया शगुफे छोड़े जाते हैं। जैसे कि हमारे अभी पिछले दिनों एक दो दिन पहले चीफ सेक्रेटरी साहब जनाब उनका मतलब एक स्टेटमेंट आती है कि इलीगल अपॉइंटमेंट्स विल नॉट बी रेगुलराइज, तो कैन नॉट बी रेगुलराइज। तो उन्होंने इसको मतलब बोला है कि ये जो है सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के PSC पब्लिक सर्विस कमीशन के और ये जो जिन तरीकों से लगाए गए लोग जो हैं वही रेगुलर हो सकते हैं। तो मैं चीफ सेक्रेटरी साहब को कहना चाहता हूँ, जनाब आप लोगों को किसी ने बताया नहीं कि जो डेली वेजर है इसको कोई पब्लिक सर्विस कमीशन अपॉइंट नहीं करता, इसको सर्विस सिलेक्शन बोर्ड अपॉइंट नहीं करता। तो ये ज़रा पता कर लें। और दूसरी बात, इलीगल अपॉइंटमेंट वो होती है जो ऐसे लगे हों। हमारा बकायदा SRO 239F नती 11/2005 का है, तो ये कैसे इलीगल हो सकते हैं। तो बाकी मेरा अपने BJP के मतलब वो लीडरों से कहना है कि आप लोग इलेक्शन को टालते जाओ, यही काम करो, लोगों के काम तो आपसे हो नहीं रहे, इलेक्शन को टालना टालना बस यही आपके रह गया है। तो लोगों के बीच आइए, लोगों के काम करिए, जिस दिन मर्जी इलेक्शन कराइए, वोट आपके हक में जाएगा, लोगों के काम करने नहीं है, इलेक्शन लेट करते जाओगे। तो हम 416 दिन से एक ही बात को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिसमें हमारी मुख्य मांग जो अपना परमानेंट पॉलिसी, और दूसरा हमारा मिनिमम वेजेस है, और तीसरा पेंडिंग वेजेस। बस इसी मांगों को लेकर हम लगातार अपना प्रदर्शन जारी रखें। जी सर, क्या कहना चाहेंगे? शुक्रिया आप मीडिया बंधुओं का, जय माता दी। देखिए आज लगातार 416 दिन से हम एजिटेशन पर हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि मौजूदा जो हालात हैं इस वक्त J&K के, वो बहुत ही जो स्थिति जो है ख़राब, इमरजेंसी की तरह हालात बने हुए हैं, खासकर हमारे मुलाजमों के लिए जो डेली वेजर हैं, जो अस्थाई रूप से काम कर रहे हैं। उसके संदर्भ में ये कहना चाहता हूँ कि आए दिन जो पंजाब गवर्नमेंट ने जो 1200 कुछ मुलाजम जो है शिक्षक हैं उनकी रेगुलेशन दी, आंगनवाड़ी वर्करों को भी रेगुलेशन वो देने जा रहे हैं, और उन्होंने एक सेट मैप जो फिक्स कर दिया है कि जो साल में हम इतने बंदे जो है हर साल जो है रेगुलाइज उनको देते जाएंगे, रेगुलेशन देते जाएंगे उनकी। यहाँ की स्थिति देखिए, क्या हमारा हिंदुस्तान, हम भी हिंदुस्तान के वासी नहीं हैं? पंजाब स्टेट क्या हिंदुस्तान से बाहर है? वहाँ भी अगर रेगुलेशन दे रही है वहाँ की गवर्नमेंट, तो वो कहाँ की है? वो तो हिंदुस्तान की है। ऐसे ही हमारी भी हालात जो हैं ये हिंदुस्तान के अंदर ही हैं बने हुए, तो यहाँ की स्थिति उससे अलग क्यों? वो इन दोनों के साथ भेदभाव क्यों हो जा रहा है? हमारे डेली वेजर जो अस्थायी रूप से काम कर रहे हैं, इतनी दिनों से जो सेवाएं दे रहे हैं, अपनी रीढ़ की हड्डी कहे जाते हैं इस गवर्नमेंट की तरफ से, जो कहा जाना कुछ और है, करा जाना उसके लिए कुछ नहीं है। इसके लिए हम इस सरकार को ये कहना चाहते हैं, जनाब आप अपनी आंखें खोल के देखिए, दूसरी स्टेट में झांकिए, वहां के मुलाजमों को अगर रेगुलेशन दी जा रही है तो वो क्या काम कर रहे थे? उनको रेगुलेशन दी गई है तो ये काम नहीं कर रहे हैं, इनको आप रेगुलेशन नहीं दे रहे हो। इस वक्त स्थिति जो है, आपने इस वक्त इमरजेंसी के हालात जो बना दिए हैं ये इस अपने J&K में, तो
कृपया इस पर आप संज्ञान लीजिए और जल्द से जल्द कोई रेगुलाइजेशन पॉलिसी के लिए काम कीजिए। यहाँ के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो गए हैं दिल्ली में, उनको कोर ग्रुप की कमेटी वहाँ पे एक मीटिंग कर रही है, मीटिंग में वो जायजा ले रहे हैं वहाँ के गृह मंत्री साहब कि मौजूदा हालात जो हैं वो J&K के क्या हैं। मौजूदा हालात जो हैं, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको भी पता है, मुझे लगता है अब सेंट्रल गवर्नमेंट को भी पता चल चुका है कि J&K की स्थिति क्या है। उनको पता है वोट ऐसे मिलने वाला नहीं, जब तक वहाँ के काम जो हैं ऐसे पेंडिंग रहेंगे तो वोट नहीं मिलने वाला। खासकर हमारा जो मुद्दा है, इतने दिनों से 416 से दिन से लगातार हम एजिटेशन पे हैं, ये एक बहुत ही ज्वलित मुद्दा जो है इस वक्त J&K में है। अगर इस ऐसे मसलों को वो हल नहीं करेंगे तो वोट कहाँ से आएगा। वोट की राजनीति छोड़कर पहले जो डेली वेजर जो है हमारे वो स्थायी होने चाहिए, उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है बोर्ड के बारे में। इसलिए हम कहना चाहते हैं जल्द से जल्द इस पर पॉलिसी फ्रेम कीजिए, अदरवाइज बोर्ड ढूंढते रह जाओगे आप। शुक्रिया।